ओप्पो की तरफ से यहाँ पर मैं इंडिया में जो है ओप्पो K10 एक्स फोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आप जो है बात करेंगे कि ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक देखने के मिल जाएगा, किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रहा है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गैजेट टेक। आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग बात करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग की, और जैसे ही आप लोग इस फोन का अनबॉक्स करेंगे तो इस फोन के अंदर यहाँ पर आप लोगों को एक व्हाइट कलर का बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप लोग बॉक्स को हटाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है, ट्रांसपेरेंट TPU केस देखने के लिए मिल जाता है और एक सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ये फोन जो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका मतलब कि ये फोन आप लोगों का 50 मिनट के अंदर जो फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा तगड़ी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को एक Type-C2A केबल देखने के लिए मिल जाती है इस फोन को चार्ज करने के लिए। फोन के अगर बैक पैनल की बात करें तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर प्लास्टिक बैग देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि फोन जो है काफी ज्यादा लो बजट के अंदर लॉन्च होगा। ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर 20,000 रुपए के बजट सेगमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर मैं ये फोन के अंदर आप लोगों को पीछे की साइड में प्लास्टिक बैग देखने के मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं इसका जो बैक पैनल है दोस्तों, वो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। रेनबो में दोस्तों जैसे कलर होते हैं उस टाइप का डिजाइन यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर पीछे की साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें इस फोन के बैक पैनल की, तो पीछे की साइड में बैक पैनल में आप लोगों को 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ पीछे की साइड में यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग है और K10 की ब्रांडिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। फोन के ऊपर साइड की बात करें तो ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साइड में यहाँ पर आप लोगों को एक सिम कार्ड की ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो बटन है, यही दोस्तों बटन जो फिंगरप्रिंट लॉक अनलॉक का भी काम करेगा। और नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को नॉइस कैंसिलेशन सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ 3.5 mm वाला ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है, इसका मतलब कि यहाँ पर आप लोग जो ईयरफोन काफी आसानी से लगा पाएंगे। उसके साथ साथ अगर इस फोन की थिकनेस की बात करें तो 8.5 mm की आप लोगों को थिकनेस देखने के लिए मिल जाती है और 195 ग्राम जो इस फोन का वेट है। ओवरऑल इस फोन का जो वेट है वो आप लोगों को काफी लाइट फील होगा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों ने जो कोई बल्कि फोन हाथ के अंदर जो है पकड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं फटाफट से फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 6.59 इंचेस का यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब कि काफी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों जो 120Hz वाला जो पैनल है, इसकी वजह से जब आप लोग गेमिंग करेंगे तब आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। काफी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब कि डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर आप लोगों को 5000mAh की जो बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप लोगों को 1 से 1.5 दिन आराम से लास्ट कर देगी सिंगल चार्ज पे। और क्योंकि आप लोगों को 67W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल रहा है, तो काफी ज्यादा फास्ट ये फोन जो है आप लोगों को चार्ज भी हो जाएगा। तो ओवरऑल बैटरी के मामले में आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फटाफट से बात करते हैं इस फोन की कैमरे की, तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो 64MP का, जो सेकेंडरी सेंसर है वो 8MP का, उसके साथ 2MP का मैक्रो कैमरा आप लोगों को इस फोन के बैक पैनल के अंदर जो दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर 16MP का जो फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के ऊपर रन करता है, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब कि काफी अच्छा फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं इस फोन का जो अंतर जो स्कोर है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल अगर गेमिंग की बात कर ले या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की आप लोगों की टास्क की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है फोन। आप लोगों को यहाँ पर मैं इस फोन के अंदर लैग होने की शिकायत बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर बात करें इस फोन की स्टोरेज की, तो यहाँ पर ये जो फोन है ये जो है 3 वेरिएंट के अंदर लॉन्च होगा, 8GB 128GB, 8GB 256GB और 12GB 256GB के वेरिएंट में ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर ले अगर सॉफ्टवेयर की, तो ये फोन जो है एंड्रॉइड 12 के ऊपर काम करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। अगर बात कर ले इस फोन की प्राइस की, तो ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर 17,500 रुपए से लेके तो 20,000 रुपए के बजट सेगमेंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये फोन आप लोगों को अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। काफी ज्यादा अच्छा फोन है, जो कि आप लोगों को ओप्पो की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल जा रहा है। अगर बात कर ले इस फोन के बारे में मेरे ओपिनियन की, तो काफी ज्यादा अच्छा फोन है, जो कि आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इसकी बैटरी काफी ज्यादा अच्छी है, 6 नैनोमीटर का यहाँ पर फैब्रिकेशन हुआ है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज भी आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी ओप्पो K10X की। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।